G20 सम्मेलन के लिहाज से भारत के लिए 9 सितंबर बहुत ही ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकी संघ को शामिल करके नई इबादत नई इतिहास लिखी और वहीं ग्लोब साउथ की बात करें एक लीडर के तौर पे भारत उभर कर आया। वहीं प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो मंत्र दिया था वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व पे उस पटल पे चर्चा का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। भारत हमेशा जब जरूरत पड़ती है उन देशों की जिनकी आवाज़ बुलंद नहीं होती उनकी आवाज़ उठाते हैं। हम एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं जो अपने आप में इतिहास है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। ऐसे ही आज सुबह 10 सितंबर को सुबह सबसे पहले वन फ्यूचर सेशन से पहले यहाँ विदेशी मेहमान आएंगे, क्योंकि राजघाट का जो एरिया है यहाँ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, बाकायदा व्यवस्था की गई है। और यहाँ आप देख रहे हैं कुछ लोग आए हैं और किस तरीके से देख रहे हैं, मेरा जीवन मेरा संदेश महात्मा गांधी जी का जो संदेश है यही वो मार्ग है। प्रगति मैदान, भारत मंडपम और होटल जो बात करेंगे आईटी मौर्य जहाँ जहाँ मेहमान रुके वहाँ से गुजरेंगे। ये देखें उन देशों के तमाम देश हैं, 20 देश जो हैं T20 में उनके झंडे भी हैं, साथ में 9 जो इन्वाइट किए गए देश हैं बांग्लादेश सिंगापुर उनके भी तिरंगे यहाँ लगाए गए हैं, बिल्कुल उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया। ये गांधी जी की प्रतिमा जो पूरे शांति का संदेश पूरे विश्व को देते हैं वो गांधी जी के दर्शन करेंगे, वहाँ उनको श्रद्धांजलि देंगे और एक विशेष कार्यक्रम किया गया है। इस पर भारत सरकार पूरी व्यवस्थाएं की हैं क्योंकि विदेशी मेहमान हैं। और यहाँ बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति से लेके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आएंगे तो सुरक्षा के लिहाज से पूरा रोड ना लॉक कर दिया जाएगा और चप्पे चप्पे पे पुलिस रहेगी, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा क्योंकि ड्रोन से लेके सुखोई विमान जैसे तमाम लड़ाकू विमान से पूरा ध्यान यहाँ सुरक्षा रखा जाएगा। और अभी देखें बहुत खूबसूरत पॉइंट भी बनाए गए, ये एरिया जो है पूरा अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है और गांधी को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है। महात्मा गांधी ऐसे नहीं कहे जाते, भारत के राष्ट्रपिता एक अपने आप में एक शख्सियत है, एक पूरे जीवन शैली है, पूरी विरासत है, उसे भारत सजो के तो रखा है लेकिन आज वो ऐतिहासिक पल पूरी दुनिया देखेगा जब जब 20 बड़े देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ एक साथ दिखेंगे और बिल्कुल भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद भारत की जो पहल है जो 15 द्विपक्षीय बैठक के बाद साझा कॉन्फ्रेंस की बात है उस पर सहमति बनती है तो भारत एक साउथ ग्लोब में एक उभरता हुआ देश बनेगा और इससे बहुत कुछ बयां करेगा। भारत यहाँ से एक नई इबारत लिखेगा क्योंकि G20 सम्मेलन की अगर बात करें जिस तरीके से पूरी कहानी लिखी गई है ये 18वां सेशन है अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तैयारियां की गई हैं क्योंकि इसके महीनों से तैयारियां की गई क्योंकि भारत में इससे पहले 50 शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंगें की गई हैं। भारत मंडपम बनाया गया, भारत मंडपम में 750 करोड़ रुपए के खर्च हैं, उस पर भी बहुत ध्यान रखा गया है कि उसमें जो G20 के देश हैं उनके विरासत सभ्यता को वहाँ दर्शाया जाएगा, साथ में भारत के 29 राज्यों की विरासत को भी वहाँ ला के रखा गया, साथ में अलग अलग राज्यों के वहाँ के पकवान को भी परोसा जाएगा। ये बहुत खास है और कल राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा डिनर में सारे मेहमान भी शामिल थे तो ये और चीज़ें हैं किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे पे जिस तरीके की चमक और उत्साह देखने को मिला था लग रहा था कि भारत एक नया इतिहास लिख रहा है। वाकई में भारत के लिए बहुत गौरव पल है और भारत जो जहां उसे किसी संघ में नाम तक नहीं होता था आज भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है और 13 साल बाद भारत जिस तरीके से अपनी ज़मीन पर और एक मेहमानों के स्वागत के लिए विश्व को दिखाने के लिए जिस तरीके से अपनी तैयारियाँ की है वाकई तारीफ है। चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं लेकिन G20 सम्मेलन के बाद क्या निकल के आता है सामने ये भी देखना दिलचस्प होगा। आज इतना ही, लेकिन और खबरों के लिए आप देखते रहें हिंदी खबर।